इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास कुछ यूज़र्स होते हैं और वो यूज़र्स जो हैं वो कोई टास्क जो करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक बैच क्रिएट करता है और जब वो बैच मुकम्मल हो जाता है उसके बाद वो बैच भेज दिया जाता है सीपीयू को और सीपीयू एक ही वक्त में उस पूरे बैच को प्रोसेस करता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले की एग्जांपल इसकी ये लेते हैं, लेट सपोज एक शख्स है वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है वो इस बैच में जाके स्टोर हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है वो एक जॉब है जो कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसीव करेगा और उसको उस बैच में स्टोर कर देगा। उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड की जो अगली ट्रांजैक्शन होगी उस यूज़र की, वो उसकी अलहदा से जॉब होगी और वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से जॉब्स कलेक्ट करता रहेगा। जितने भी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी वो उस बैच में इकट्ठी होती रहेंगी और एक वक्त आएगा कि वो बैच कंप्लीट हो जाएगा। मंथ के आखिर में उस बैच की प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू मुकम्मल कर लेगा। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज अगर हमने स्टूडेंट के एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं तो वो हम बारी बारी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए देते जाएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्टूडेंट का एक बैच क्रिएट करेगा। जितने भी स्टूडेंट्स आते जाएंगे वो तमाम के तमाम बैच में इकट्ठे होते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि बैच मुकम्मल हो जाएगा और उस बैच के मुकम्मल होने के बाद सीपीयू जो है उस बैच को एक ही वक्त में प्रोसेस करेगा और हमें रिजल्ट फराहम करेगा। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर बैचेस बनते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल सीपीयू की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारे लिए रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं।